प्रशांत कुमार दास, फुटवेयर डिजाइनर, फाउंडर ऑफ क्रिएटिव डिजाइन इंडिया। आज मैं लेके आया हूँ एक हाई एंकल स्नीकर शूज। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू और एक डिजाइन। मैंने हर बार की तरह मेन फॉर्म नहीं बनाया और लास्ट मैं नहीं दिखा रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने पहले काफी सारे स्नीकर शूज, स्पोर्ट्स शूज का लास्ट दिखा चुका हूँ, उसमें कैसे मस्किन ड्रॉ करता है वो भी दिखा चुका हूँ मैंने। आज हाई एंकल एक स्नीकर शूज दिखा रहा हूँ, एक फैब्रिक के ऊपर, बेसिकली मैक्सिमम फैब्रिक यूज होगा और इसका कॉलर भी थोड़ा सॉफ्ट मटेरियल, कोशिश करेंगे थोड़ा हटके, थोड़ा नया कंसेप्ट है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होगा, नॉर्मल प्राइस का इस टाइप का कंसेप्ट जो मैन्युफैक्चरर है उनके लिए बता रहा हूँ, वो भी इस टाइप का कंसेप्ट ईजी बना के और मार्केट अपना स्टडी कर सकता है और नया कंसेप्ट ऐसे बना सकता है। और इस टाइप का कंसेप्ट मार्केट के अकॉर्डिंग अगर उनको रिक्वायरमेंट रहता है किसी भी ब्रांड को, तो वो हमारी टीम के साथ कंटेक्ट कर सकते हैं। हम ऐसे बहुत सारे नया नया डेवलपमेशन करते रहते हैं तो हम सपोर्ट कर सकते हैं, ऑलरेडी सपोर्ट करते हैं। लगभग इंडिया पे 500 कंपनी हमारे साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, उन लोगों के साथ हम जुड़े हुए हैं, जो भी रिक्वायरमेंट रहता हम सपोर्ट करते रहते हैं हमेशा। हमारे पास हर टाइप का कंसेप्ट होता, कुछ भी टेक्निकल सपोर्ट होता, सब कुछ हम करते हैं। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ड्राइंग, और नॉर्मल एक बेस जो रेगुलर हम ऑलरेडी लास्ट के ऊपर नॉर्मल स्नीकर लास्ट में बेस बना चुका हूँ, उसको मैं बेस ड्रॉ कर लिया। उसके ऊपर आप एक ही बेस पे लाखों डिज़ाइन बना सकता है, जस्ट आपका सोच होना चाहिए कि आप बनाना चाहते हैं डेली, थोड़ा थीम आप थोड़ा टाइम सोच के आप बना सकते हैं। जस्ट ट्राई कर रहा हूँ आपके सामने, हमेशा नया चीज़ दिखाने के लिए, बेस करने के लिए कोशिश करता हूँ नया नया कंसेप्ट को, इसलिए है मैं सामने ड्राइंग करता हूँ आपके सामने, जो आपको लगे जो बहुत ही जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं उनके लिए कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा और जो ऐसे वो भी कर सकता है, ऐसे डिज़ाइन नया कंसेप्ट बना सकता है। और मैंने देखे टो का पॉइंट बार बार बोल चुका हूँ, टो कहाँ पे है, कैसे कहाँ से शुरू करते हैं हम मेन फॉर्म का, ये पॉइंट ऑलरेडी ये बेस रेडी था जिसमें टो पॉइंट मैंने ले लिया, इसमें थाई मार्किंग, इसलिए आसान मेरे लिए आसान है और मेरे लिए ऐसे भी आसान है क्योंकि मैं मस्किन से भी ऑलरेडी ड्राइंग करके दिखा चुका हूँ कहाँ से टो कैसे किस पोजीशन में टो का मार्किंग लेना होता, ऑलरेडी हमेशा दिखा चुका हूँ। और डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बेस थोड़ा बहुत चेंज कर रहा हूँ मैं, आप लोगों को थोड़ा इतना कॉन्फिडेंस, जो स्टूडेंट है इतना आसानी से मैंने जैसे हाइट बना दिया, 2 मिनट में पेंसिल चला एकदम चला दिया तो इजीली बन गया डिज़ाइन, बेस बन गया परफेक्शन में कैसे भी। एक्चुअली बैक हाइट आप जैसे अपने हिसाब से जो डिज़ाइन का लुक कैसे होता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, तो फिटिंग टेक्निकल पॉइंट कुछ होता है वो फॉलो करना चाहिए, जैसे बैक हम कहाँ से कैसे यूज़ करना, स्टेप पॉइंट के पीछे कितना पीछे ले सकता है, वो सारे किसी को पर्सनली जानना है तो कोशिश कर सकता है, ऊपर उसके लिए टाइम लगेगा, उसको थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा, रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो अभी कोशिश करता हूँ, पहले ऑलरेडी दिखा चुका हूँ स्टेप पॉइंट क्या होता और कैसे कौन सा एज मार्किंग तक आप जूता बनाते हैं वो सब दिखा चुका हूँ। तब भी आप लोग वीडियो देखते रहिएगा, आगे आगे जो जो प्रॉब्लम होगा, कोई आप लोगों को क्वेरीज होगा हम बताते जाएंगे आप लोगों को सब। जस्ट पैरेलल लाइन एक यू का ले लिया मैंने, तो इसको एवरेज कम करना कि किसी इंडस्ट्री फैक्ट्री वाले देखिएगा बोलेगा इसको एवरेज, आप काट जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी आप काटिंग कर सकते हैं, चाहे यहाँ से भी कर लीजिए, जैसे मर्जी कर सकते हैं। हम सिंगल पैटर्न में एक बार ड्राइंग दिखाने के लिए कर रहे हैं और पीछे काउंटर यूज़ करते हैं।
कुछ भी नहीं, डिज़ाइन बहुत ही सिंपल होना चाहिए, जो क्योंकि इसमें ज़्यादा काम कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ। जो मैन्युफैक्चरर सपोज हमारे दिल्ली से काफ़ी दूर बैठे हुए हैं, उनके पास सारे चीज़ के अरेंजमेंट नहीं है, वो भी इस टाइप का डिज़ाइन बना सकते हैं और आसानी से। इसमें कुछ डेकोरेशन नहीं है, बट डिज़ाइनर को ड्राइंग आना चाहिए, थोड़ा बहुत फैब्रिक होना चाहिए, वो शूज़ बना सकता है। और उस कंसेप्ट का डिज़ाइन मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, जो कहीं पे बैठ के भी वो मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, बहुत सारा चीज़ ज़रूरत नहीं होता, थोड़ा बहुत कम चीज़ों के अंदर भी जूता अच्छा शूज़ बना सकता है और मार्केट का ट्रेंड फॉलो कर सकता है वो लोग खास करके। नहीं तो बहुत लोग होता है एरिया वाइज, सब दिल्ली में सब कुछ अवेलेबल होता, बनाना आसान होता, सब कुछ टेक्निकली मटेरियल सब कुछ अवेलेबल होता, सब जो कालीकट होता व केरला होता, जो साउथ होता मुंबई होता, उसके पास शूज़ बनाने के लिए बहुत सारे मटेरियल अवेलेबिलिटी नहीं होता, उसको अरेंजमेंट करना पड़ता। और कोई छोटे देहात में गांव में कोई फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता, उनके लिए भी बहुत प्रॉब्लम होता, वो सिर्फ कॉम मटेरियल के अंदर कैसे शूज़ बनाएगा। वो सारे आइडियाज़ के लिए मैंने ऐसे ऐसे कंसेप्ट बना के दिखाता हूँ, इसलिए हमेशा आप लोग मेरा वीडियो देखते रहना, आपको काफ़ी आइडिया नॉलेज मिलेगा कि मार्केट के बारे में कैसे मार्केट को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, मार्केट का ट्रेंड कैसे चेंज होता है बदलता है, वो मेरा वीडियो देख के आपको आसानी से पता चल जाएगा। मैंने ड्राइंग कंप्लीट कर लिया, इस सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ जो मैन्युफैक्चरर के लिए इजी हो जाएगा, मार्केट बनाना उसको आसान हो जाएगा, मार्केट का ट्रेंड फॉलो करना आसान हो जाएगा, आने वाला टाइम में से पहले वो तैयारी अपना प्रिपरेशन रख सकता है। जो स्टूडेंट है वो जो कहीं पर जॉब कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही आसान कंसेप्ट है, पहले पता ही नहीं चलता वो बनाएगा कैसे। एक इंडस्ट्री में ज्वाइन करने के बाद उसका एक्सपेक्टेशन होता है मैन्युफैक्चरर को, जो अच्छा डिज़ाइन मुझे देगा एक डिज़ाइनर, उसको पर पहले ही उम्मीद करके बैठे रहते थे, जो एक डिज़ाइनर बहुत अच्छा डिज़ाइन हमेशा देगा, तो उसके लिए भी प्रॉब्लम होता, उसको कुछ आइडिया नहीं होता मार्केट का ट्रेंड क्या है, कैसे फॉलो करें ट्रेंड को और कैसे डिज़ाइन बनाए, तो उसके लिए ईजी है, मेरा साइड ओपन करके भी बैठेगा, उसको कॉन्सेप्ट दिख जाएगा, बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट देखेगा, उसके अकॉर्डिंग फॉलो करके भी वो डिज़ाइन बना के मैन्युफैक्चरर को देगा, तब भी वो उसके लिए बहुत सपोर्ट हो जाएगा। मैन्युफैक्चरर को होगा और जो स्टूडेंट बट डिज़ाइनर होगा उनके लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा, इसलिए आप लोग फॉलो करते रहना, मैं कोशिश करता हूँ हमेशा नया नया चीज़ दिखाने के लिए। बात करते करते मेरा बेस रेडी हो गया, एक कंप्लीट सिंपल सा डिज़ाइनिंग का बेस, थोड़ा सा ग्राफिक्स का काम है, वो आप कुछ भी कर सकते हैं, छोटा ब्रांडिंग के लिए छोटी मोटी कंपोनेंट कलरफुल यूज़ कर सकते हैं। मैंने जस्ट अपना ब्रांड को दिखाने के लिए एक शूज़ का कंप्लीट के लिए मैंने थोड़ा सा बना दिया, हो गया रेडी बेस, आप थोड़ी देर में दिखाते कंपोनेंट कटिंग करके। अभी जो मैंने बेस एक ड्राइंग किया था, एक बेस ड्राइंग किया था, उससे देखिए कंपोनेंट मैंने अलग कर लिया, सिंपल है बहुत ही, जो कहीं दूर बैठे डिज़ाइनर देख रहे हैं जो कहीं भी दूर पे, उसके लिए बता दूँ ये सिंपल डिज़ाइन है। यहाँ पे मैंने मटेरियल क्या यूज़ किया थोड़ी देर पे मैं दिखा देता हूँ, और इसमें ज़्यादा कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ एक बेस हो गया। अब देखेंगे एक मैथ का बेस है, सिंपल सा एक फैब्रिक ले लिया, ये फैब्रिक हो गया, इसके ऊपर भी फैब्रिक है, ये भी फैब्रिक यूज़ करेंगे हम, और इसके ऊपर एक कंपोनेंट अटैच कर दिया मैंने अभी, यू पूरा एक सिंगल जस्ट एक साइज ड्राइंग करने के लिए दिखा दिया। इसके एवरेज के लिए आप कहीं भी आप जॉइंट कर सकते हैं, और जस्ट दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ये एक काउंटर हो गया और एक टो हो गया, और इसके अंदर यूज होता पिंग पोंग बेसिकली स्टाकन में, वो मैं हाइट्स रखता हूँ जो दिखाता नहीं हूँ, जो नॉर्मली जो स्टूडेंट है उसको पता होता, और नहीं पता होगा तो वो पूछ लेगा, जो इसके बीच में वो हार्डनेस के लिए हम यूज़ करते हैं बेसिकली ये पैटर्न को, फोटो के बीच में हम यूज करते हैं ऐसे, बिल्कुल लगभग 1.5 mm ऊपर करके इसको प्रेसिंग होता है बेसिकली, कैसे अटैच किया जाता है, जो प्रोडक्शन में आएंगे जो मैन्युफैक्चरर उनको पता ही होता, और जो किसको सीखना है तो ये कंसेप्ट वो देखना पड़ेगा कंसेप्ट कैसा है तभी पता चलेगा। कि थोड़ा सा स्टिफनर यूज़ करते हैं, हैंडमेड भी यूज होता है, सॉल्वेंट डीप कंसेप्ट यूज होता है, तो जब आप स्टडी करेंगे इसके ऊपर पता चलेगा, जो कोई इंस्टीट्यूट में है उनको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा ही, और नहीं होगा तो जिसको सीखना है वो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकता है, क्या क्या चीज़ इनर बेसिकली स्ट्रेंथ के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये छोड़ के भी शूज़ बन जाएगा और थोड़ा हार्डनेस नहीं होगा, जस्ट सॉफ्ट हो जाएगा।
मास्क के ऊपर डायरेक्ट अगर टो यूज करेंगे तो रेडी हो गया इसका स्किन पे एक लाइनिंग पीछे का हो गया और ऑलरेडी हम बाकी टन का मटेरियल ऑलरेडी हम यूज़ करते हैं ओल्ड पैटर्न में रेडी हो गया। और इससे देखिए अपर भी हमने रेडी कर लिया, जो जो बताया था सॉफ्ट मटेरियल बेसिकली कॉर्डलोड में हमने यूज़ किया, बहुत ही सॉफ्ट टाइप का मटेरियल है, ये बहुत ही सॉफ्ट है। अब जब शूज को हाथ में यूज लेंगे एकदम फ्लेक्सिबल सॉफ्ट होगा। और जो साइड में मैस यूज़ किया मैंने, बहुत ही सॉफ्ट कॉन्सेप्ट का मैस यूज़ किया, नेटिंग है, नेट टाइप का मैस है। और सामने दो एक टू तीन कंपोनेंट मैंने यूज़ करके उस साइड में ब्रांडिंग किया। वो जो भी ब्रांड बनाना चाहते हैं, जो स्टूडेंट अपने हिसाब से यूज करना चाहते, कोई कलरफुल रेजिन भी यूज़ कर सकता है, सिंथेटिक कोई भी मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, और जो कंपनी अपने ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, लोगो यूज़ कर सकता है, और वो अपने हिसाब से डिज़ाइन बना सकता है। इस टाइप का एक नया कंसेप्ट हो गया और सिंपल है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होगा और एक नया शूज़ बन जाएगा। और इस टाइप का शूज़ चलता है मार्केट में, और जो मार्केट में क्योंकि रेंज इसका बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगा, सिंपल रेंज का होगा, इसलिए आप लोग ऐसे शूज़ बना सकता है। और इस टाइप का किसको रिक्वायरमेंट रहेगा तो आप ये भी हम सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे टीम के साथ कॉन्टेक्ट करना। और बाकी इसका शूज़ बनने के बाद कितना सुंदर लगेगा थोड़ी देर पर आपको रेडी शूज़ दिखाते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने ये अपर दिखाया था, बहुत ही सिंपल डिज़ाइन था और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, पहले ही बोला था ये अपर बहुत ही सिंपल है। जो भी डिज़ाइनर ये डिज़ाइन इस टाइप का डिज़ाइन बनाते हैं उनके लिए कोई काम नहीं है, और डेकोरेशन भी इसमें कुछ है नहीं है, बहुत ही सिंपल है। और आप लोग जो भी मार्केट में देखिए किस टाइप का कंसेप्ट चल सकता है और कितना आसानी से कोई भी डिज़ाइनर बना सकता है, इसलिए मैं हमेशा नया कंसेप्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ और बहुत ही ईजी कंसेप्ट दिखाता हूँ। और ये देखिए एक हाईनेक कंसेप्ट का स्पोर्ट्स शूज है और बहुत ही सिंपल, दो पैटर्न भी मैंने दिखाया था इसके अंदर, दो पैटर्न है। फुल अटैच करने के बाद शूज़ का लुक ही बिल्कुल डिफरेंट हो गया, अपर में आपको कुछ भी नहीं पता चल रहा था। और देखिए फुल अटैच करने के बाद बहुत ही सुंदर, यूनिक, कोई भी यूज़ कर सकता है, एनी एज एनी टाइप का, जो भी सबको पसंद आएगा। इस टाइप का सोबर कंसेप्ट है और ये हमेशा मार्केट में चलता है, इस टाइप का आइटम ही मार्केट में रेगुलर बिकता है। और इसलिए जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरर है और जो डिज़ाइनर है, जो स्टूडेंट है और जो किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, उनके सबके लिए बहुत ही आसान तरीका, ऐसे ऐसे डिज़ाइन आप लोग बनाएंगे, मार्केट भी बहुत अच्छा जल्दी पकड़ेगा और रेगुलर ट्रेंड करेगा और लॉन्ग टाइम चलता है ऐसे डिज़ाइन। इसलिए आप लोग सारे मेरा वीडियो देखते रहना, सब्सक्राइब करते रहना, बेल बटन दबाते रहना। नमस्कार।